हेलो एवरीबॉडी, इस चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है एक नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। मैं चिंचन, नमस्ते, सलाम अलैकुम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के नए प्रोडक्ट रिव्यू। तो आज मैं आपको एक नए प्रोडक्ट, देखिए ये साबूदाना के बारे में मैं आपको कुछ कहूँगा, और जो मोर चॉइस है ये कैसा है वो आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो मेरे चैनल में जितना भी सारा प्रोडक्ट रिव्यू है वो प्रमोशन करने के लिए नहीं है। जब उसको मैंने यूज़ किया, रिव्यू का मतलब है यूज़ करने के बाद उसके बाद क्या रिज़ल्ट मिलता है वो ही शेयर मैंने किया। मेरे चैनल में सब प्रोडक्ट रिव्यू ऐसे ही है, यूज़ करने के बाद मैंने शेयर किया, वही होता है एक्चुअल रिव्यू, द डेफिनेशन ऑफ रिव्यू। तो ये मैं आपको रिव्यू दूंगा। पहले इसको जो साबूदाना होता है ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो साबूदाना एक्चुअली जो ओरिजिनल साबूदाना होता है वो साबूदाना एक पेड़ होता है, साबू पेड़ होता है, साबू ट्री होता है, साबू पेड़ होता है। उससे ये तो मशीन के थ्रू प्रोसेस ऑफ मशीन्स उसके ये थोड़ा सा दाना होता है, दाना से ये साबूदाना बनता है। ये बड़ा ग्रेन है और एक होता है छोटा ग्रेन। छोटा ग्रेन का दाम थोड़ा सा कम है, एक 500 ग्राम 35 रुपीस। और ये जो बड़ा ग्रेन है, ये बड़ा ग्रेन ये मोर से मैंने लिया। मोर ये भी एक बिग बाज़ार की तरह ही है, जियो मार्ट और बिग बाज़ार की तरह ही एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। ये 500 ग्राम को लिया 53 रुपीस। देखिए इसमें 65 रुपीज़, 500 ग्राम को 65 रुपीज़, लेकिन ये 53 रुपीज़ लिया। और जो एक्चुअली मार्केट में पैकेट वाला जो पैकेट है 500 ग्राम का होता है 45 रुपीज़, और छोटे दाना जो लूज़ होता है जो बस्ते में आता है लूज़ ख़रीदो तो 500 ग्राम का छोटे दाने का 35 रुपीज़ है। आप अभी 2023 ये मई मंथ चल रहा है, इसके इस टाइम में इसका ये सब सारे का रेट है। हम लोग बहुत दिनों से खा चुका है। और ये जो साबूदाना है ये खास करके जो वैष्णव लोग और खास करके थोड़ा सा कुछ रिलीजन में ये खाया जाता है। ये टोटल प्योर वेजिटेरियन है, सात्विक आहार है। तो ये साबूदाना बहुत सारे लोग, खास करके वैष्णव लोग, महिला पुरुष सारे भक्त, ये जो कृष्ण भक्त होता है, वैष्णव मतलब विष्णु का जो भक्त होता है, विष्णु तो कृष्ण होता है, विष्णु तो श्री राम होता है, विष्णु तो नरसिंह होता है, सबका ये अवतार होता है, मत्स्य अवतार है, बहुत सारे अवतार है। ये अवतार का डिफरेंट नाम होता है। जो वैष्णव लोग होता है उसका खाना ये होता है। आप अगर वैष्णव लोग हो तो ये देख रहे हो तो पहले से बता दो जय श्री राम की, जय श्री कृष्ण की। तो इसका ये जो पैकेट है, ये जो मैंने पैकेट ख़रीदा, मैंने बहुत सारा कंपनी का पैकेट ख़रीदा, तो बाद में मैं आपको ये रिव्यू कर दूंगा। ये जो पैकेट है थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है। और ये जो साबूदाना से बहुत सारा खाना सब्जी बनता है, पकौड़ा भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आज बनाया है। ये पकौड़ा है, देखिए ये साबूदाना का पकौड़ा है। साबूदाना का पकौड़ा बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा होता है। और ये जो पकौड़ा होता है साबूदाना, एक्चुअली क्या होता है, जो आप अगर कच्चा भी खा सकते हैं, दूध केले ये भी खा सकते हो, और भगवान को प्रसाद भी दे सकते हो। आप अगर इसको पका कर खाए तो इसका जो अंदर में जो कैसा बन जाता है, जो आग में आकर और हीट में आकर ये थोड़ा सा जेली की तरह बन जाता है, थोड़ा सा गमिश होता है, स्टिकी होता है, और थोड़ा सा जेली की तरह बन जाता है, और बहुत ही चिप्सी होता है। साबूदाना का पकौड़ा भी मार्केट में मिल रहा है, साबू का पकौड़ा बहुत ही चिप्सी होता है, मुचमुचे मुड़मुड़े होता है, खाने में बहुत ही टेस्ट होता है। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा आपको सब्जी के साथ आपको खाना पड़ेगा। इसमें मैंने थोड़ा सा बीट दिया, और इसके मिर्च आपको देना ही पड़ेगा। आप अगर इसको घी में पकाए तो बहुत ही टेस्ट होता है, बहुत ही अच्छा सुगंध आता है। तो फिर से रिटर्न बैक टू माई मेन पॉइंट। तो ये जो साबूदाना है बहुत सारा कंपनी मार्केट में अवेलेबल है। जो DNV है 200 ग्राम का साबूदाना का दाम ही 44 रुपीस है। साबूदाना का बहुत ही दाम ज़्यादा होता है,
जो आप छोटा पैकेट में लो, 100 ग्राम, 100 ग्राम मैंने आज तक नहीं देखा, 200 ग्राम ही देखा, 100 ग्राम तो इतना सा होता है, 200 ग्राम है 44 रुपीज़, बहुत ही महंगा है। देखो 44 रुपीज़ मतलब 220 पर किलोग्राम होता है। ये DNV का है, DNV का मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल में मिलता है DNV प्रोडक्ट, तो बहुत सारा प्रोडक्ट मिलता है, और शॉपिंग मॉल में थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन क्योंकि शॉपिंग मॉल में सब लोग जो शाकाहारी लोग कम आते हैं, वैष्णव लोग कम आते हैं, जिस एरिया में शाकाहारी लोग वैष्णव लोग रहते हैं उस एरिया में ये मार्केट में उठाता है, क्योंकि इसका डिमांड उस लोकेशन में ज़्यादा होता है। फिर भी ये कंपनी ये बना रहा है अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड, तो ये उतना अच्छा नहीं है जो, और इसका थोड़ा सा डुप्लीकेट भी होता है। डुप्लीकेट कैसे बनता है मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन वो एक्चुअली ओरिजिनल डुप्लीकेट नहीं है। और आप ये मत समझिए 200 ग्राम का दाम 44 रुपीज़ है तो वो ओरिजिनल है, वो ना भी हो सकता है। और कभी मैं देख चुका हूँ जो बस्ते में आता है वो भी कभी भी दम कम है और उसका 70 रुपये किलोग्राम है, क्योंकि जो छोटा दाना है तो छोटा दाना जो बस्ता में आते हैं 500 ग्राम 35 रुपीज़, यानी 1 किलोग्राम का 70 रुपये, 70 रुपये 1 किलोग्राम, और बड़े दाना का 220 रुपीज़ पर किलोग्राम। इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इतना महंगा, इतना डिफरेंस है प्राइस का, इतना डिफरेंस है, आप कभी भी मत समझिए वो ओरिजिनल ही है, वो डुप्लीकेट भी है, कभी मत। कभी कभी कम दाम वाला 70 रुपीज़ पर किलोग्राम वो भी ओरिजिनल हो सकता है, वो भी बस्ता वाला का जो लूज पैकेट लूज आप खरीदते हैं वो भी काफ़ी काफ़ी समय बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, तो ये उतना टेस्ट नहीं है। लेकिन इसके बदले में कौन सा प्रोडक्ट मैं आपको टेस्ट कहूँगा वो अभी आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा सा ये जो रिसर्च मैंने कर रहा हूँ, ये टेस्ट का रिसर्च मैं आपको तो बता नहीं सकता थ्रू दिस वीडियो, वो आपको करके कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। लेकिन अभी तक मैं ये प्रोडक्ट का मैं रिव्यू दे रहा हूँ, तो मैं ये बताऊंगा ये प्रोडक्ट का उतना अच्छा नहीं है, उतना ख़राब भी नहीं है, एकदम मीडियम मीडियम है। आप अगर इसके देन 10 पॉइंट पूरा स्कोर में मैं इसको 6 पॉइंट दूंगा। देखिए ज़्यादा 4 भी नहीं दूंगा और 8 भी नहीं दूंगा, 6 दूंगा। लेकिन ये ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा भी ख़राब में नहीं है, थोड़ा सा अच्छा है। और जो साबूदाना होता है, मैंने जो एक्चुअली साबूदाना खाया, साबू पेट से खाया, वो बहुत ही टेस्ट है, वो आप सोच भी नहीं सकते इतना टेस्ट है, क्योंकि वो पेट से बनता है, वो हाथों से बनाया जाता है। मैंने खुद खाया, अपने जो दादी होता है, नानी होता है, जो पुराने ज़माने के थे, उतना वो लोग मुझे खिलाया था, उसका टेस्ट और इसका टेस्ट जो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है ये ओरिजिनल है कि नहीं, मैं पकड़ लूँ ये ओरिजिनल ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इसका टेस्ट थोड़ा सा इधर उधर होता है, और इसमें थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव मिला भी सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन नहीं रहता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, देखिए 65 रुपीज़ किलोग्राम है, यूज़ बाई 23/1/24 लिखता है, देखिए पैक ऑन 28/4 और 22-23 साल, देखिए 7-8 मंथ आपको ये चाहिए था, 4 से 12 8 हुआ, हाँ 9 महीना, देखिए ये 9 महीना के अंदर ये आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि 9 महीने का अगर खाना पड़ेगा तो ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव हो भी सकता है, लेकिन इसमें कोई लिखा नहीं है। और इंग्रेडिएंट्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स देखिए मार्केटेड बाय मोर रिटेल्स, और इंग्रेडिएंट्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स इसमें साबूदाना ही होगा, कहीं लिखा है स्टोरी में कभी ये कभी भी मुझे साबूदाना बिग 500 ग्राम इन दिस मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट बंगाल, हाँ
जो भी हो, हाउएवर ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपको अगर चाहिए तो मोड थोड़ा सा ज़्यादा भी अच्छा नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको ये साबूदाना का थोड़ा सा रिव्यू आपको दे दिया, और कैसे पकौड़ा बनाया वो भी मैंने आपको दे दिया। जो मार्केट में जो रेडीमेड पकौड़ा बनता है गोल गोल तरह के साबूदाना का, वो अगर आप अगर खुद घर में बना कर खाए तो उससे ज़्यादा ये सबसे अच्छा होगा, क्योंकि वो आपको मिक्स करने, ये बनाने के लिए थोड़ा सा केमिकल का यूज़ करता है। जो गोल गोल होता है वो सब साबुन को बॉन्डिंग करने के लिए एक केमिकल्स यूज़ करना पड़ता है, लेकिन ये अगर आप घर में बना कर खाए तो शरीर के लिए, शरीर में वो केमिकल्स नहीं जाएगा, शरीर के लिए भी अच्छा है। घर का बनाया हुआ सारे खाना शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, एकदम लाजवाब है। शरीर के लिए भी अच्छा है, मन के लिए भी अच्छा है, और जो अपना पॉकेट है उसके लिए भी अच्छा ही है, लेकिन पैसा थोड़ा सा बच जाता है, सब कुछ आपको सेव ही होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको साबूदाना के बारे में पूरा डिटेल्स बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में और एक ये साबूदाना का और एक प्रोडक्ट मैं आपको सामने लेकर हाजिर हूँगा, तो वो प्रोडक्ट इसके कंपेयर में कैसा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू प्रोडक्ट रिव्यू। बाय बाय।